नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेकअप होने के बाद दोबारा पैचअप कैसे करें। कहने का मतलब है ब्रेकअप होने के बाद रिश्ते को दोबारा कैसे जोड़ें। देखिए दोस्तों, अगर आप दोबारा पैचअप करना चाहते हो तो यहाँ पे ना कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप एक लड़के हो और आपकी गर्लफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो गया है, मतलब कि ब्रेकअप होने की वजह आप हो या आपकी गर्लफ्रेंड है, ये भी डिपेंड करता है। मान के चलो आपसे गलती हुई है, मतलब मैं सबसे पहले लड़के के लिए बोलूँगा, एक लड़के से गलती हुई जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया, अब उस लड़के को पछतावा है तो वो दोबारा पैचअप करना चाहता है, तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों। देखो, आपकी गर्लफ्रेंड आपको तो फ़ोन करेगी नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि गलती आपकी थी। ठीक है, ये बात आप दिमाग में बैठा लो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको कॉल नहीं करेगी। ठीक है, इस घमंड में आप मत रहना कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको कॉल करेगी। ठीक है, जितनी ज़रूरत उसको आपकी थी, उतनी ज़रूरत आपको भी उसकी है, इसीलिए अब आप पैचअप करना चाहते हो। तो ऐसे में आपको उसे फ़ोन करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल से माफ़ी मांगोगे तभी वो आपसे पैचअप करेगी, नहीं तो वो आपसे पैचअप नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो लड़की आपके साथ, मतलब जिस लड़की ने आपके साथ इतने टाइम तक रिलेशन बनाया, इतने टाइम तक आपके साथ पल बिताए, तो उस लड़की से ज़्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं जान सकता। मतलब आपकी फैमिली के बाद तो आपका जो पार्टनर होगा वही आपको अच्छे से जान पाएगा ना, तो इसीलिए आप झूठ बोल के पैचअप मत करना, नहीं तो सामने वाला एकदम पहचान लेगा, फिर वो पैचअप नहीं करना चाहेगा आपके साथ में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहते हो, दोबारा पैचअप करना चाहते हो, तो आप सामने वाले को खुद से फ़ोन करो, उससे माफ़ी मांगो, उसको समझाओ कि भाई जो गलती मुझसे हुई है वो मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। अगर आप प्यार से इन सब बातों को अपने पार्टनर को समझाओगे तो वो ज़रूर समझेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो बिल्कुल नहीं समझना चाह रहा, आपने पूरी तरह से कोशिश करके देख ली और वो नहीं समझना चाह रहा, वो नहीं पैचअप करना चाह रहा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप अपनी बेइज्जती खुद करवाओगे। ठीक है, फिर आप मत जाओ उस इंसान के पास और वेट करो। अगर वो इंसान 2 से 3 महीने के अंदर वापस लौट कर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। 2 से 3 महीने के बाद कोई वापस नहीं आता, क्योंकि 3 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है बुलाने के लिए। ठीक है, अगर 3 महीने के अंदर अंदर कोई वापस लौट कर आ रहा है तो ठीक है, उसका वेलकम करो, नहीं आ रहा तो उसको छोड़ो। फिर आप अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, जो भी आप करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उस पे आप ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, और अगर लड़की पैचअप करना चाहती है, मतलब लड़की की गलती थी और लड़का उसे छोड़ के चला गया, तो सेम चीज़ लड़की को भी करनी है, वो उसे कॉल करे, उससे माफ़ी मांगे, उसे समझाए, प्यार से समझाए, और तो लड़का ज़रूर समझेगा, ऐसी बात नहीं, लड़के भी अच्छे से समझते हैं इन सब चीज़ों को। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप दोबारा से पैचअप करना चाहते हैं तो प्यार की भाषा से ही आप दोबारा पैचअप कर सकते हैं। लड़ाई से, गुस्से से, घमंड से, ईगो से, एटीट्यूड से आपका सिर्फ रिश्ता ही ख़राब होगा। ठीक है, प्यार नहीं बढ़ेगा, ये आप दिमाग में डाल लो इन सब बातों को। ठीक है दोस्तों, अगर आप पैचअप करना चाहते हो तो माफ़ी मांग लो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, पैर पड़ के भी आप माफ़ी मांग सकते हो। सामने वाले को इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है जब आप सामने वाले से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हो कि मुझसे गलती हुई है। मतलब ऐसा तभी करना है जब आपसे गलती हुई है, जब आपने सच में गलती की है, तभी आप हाथ जोड़ के या पैर पड़ के उससे माफ़ी मांगो। ये नहीं है कि आपसे गलती हुई नहीं है या छोटी मोटी गलती के लिए भी आप हाथ जोड़ोगे या पैर पड़ोगे, वो पागलपंती है, वो मतलब बेकार है, वो इस तरह से करना ठीक नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है, कहने का मतलब आपने अपने पार्टनर के साथ में चीट किया है, फ्रॉड किया है, झूठ बोला है, उससे चीज़ें छुपाई हैं, तब आपका हाथ जोड़ना, पैर पड़ना, माफ़ी मांगना सही है, मतलब इस तरह से माफ़ी मांगना सही है। और अगर नॉर्मली आपका ब्रेकअप हुआ है और दोबारा से आप पैचअप करना चाहते हो, तब आपको सॉरी बोलना है, माफ़ी मांगनी है, हाथ जोड़ के या पैर पड़ के नहीं मांगनी। ठीक है, इतना भी नहीं गिरना सामने वाले के लिए, सामने वाले की नज़रों में इतना भी नहीं गिरना। ठीक है दोस्तों, तो इन सब तरह से आप जो है पैचअप कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप ट्राई करोगे तभी आपका पैचअप हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतनी जल्दी पैचअप नहीं हो पाता। एक बार जब ब्रेकअप हो गया तो सामने वाले के दिलो दिमाग में आप सिर्फ नेगेटिवली ही बस जाते हो, मतलब एक बार गांठ लग गई तो लग गई। ठीक है, इसीलिए इस सोच समझ के आप पैचअप करिएगा। अगर आप वाकई में सच में
पैचअप करना चाहते हो तो प्यार की भाषा के साथ ही आपको पैचअप करना है। गुस्से की भाषा से आप करोगे तो पैचअप नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आप पैचअप कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट करके जो आपको पूछना है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको मैं अगले 24 घंटे में दे दूंगा। ऐसी लव टिप्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।